ये देखते हैं ये टीवी कैबिनेट को, ये देखिए जो ये दिख रहा है टीवी कैबिनेट को कैसे अच्छे से बनाया जाता है। देखिए ये टीवी कैबिनेट है, इसको कैसे अच्छे से बनाया जाता है इसके बारे में जानते हैं। ये जो टीवी यूनिट है इसमें ये टीवी यूनिट और इसमें ये वार्डरोब दोनों इसमें बना है। ये बीच में एलईडी लगेगा और इधर ये साइड में देखिए ये दोनों ये वार्डरोब बना है और शो पीस भी इसी में ये बना है। जो भी शो पीस का सामान होगा इसमें हम ये रख सकते हैं। इस तरह देखिए साइड में वार्डरोब है ये दोनों साइड में, और इधर ये डिजाइन के लिए देखिए इसमें दोनों साइड में ये शो वाला बना है, ये शो काउंटर बना है इधर ये, और बीच में ये वार्डरोब जो दिख रहा है एक पल्ले का जैसे ये वार्डरोब है। इस तरह ये जो वार्डरोब है इसका ये ज़मीन से ये जो टीवी यूनिट यहाँ पे देखिए बीच में जो बना ये टीवी जहाँ लगेगा इस तरह इसका हाइट ये 70 सेंटी है, और इस तरह ये जो इसका लंबाई है ये पूरा फोर सेलिंग तक गया है। इस तरह लमसम 11 फीट को जो भी ये फोर सेलिंग है इस तरह ये हाइट इसका है। ये जो वार्डरोब है देखिए इस बीच में ये पल्ला लगा है, इस तरह जो ये ज्वाइंट मिलाया गया है देखिए यहाँ पे ये ज्वाइंट है, इसको ये रेशा एक में मिलाया गया है ताकि ये ताकि देखने में एक पल्ले की तरह ये लगे। और ये साइड में ये जो इसका ये चौड़ाई है 130 सेंटी है, और ये जो फोर सेलिंग टच ये है इस तरह इसको ये तीन भाग में बांटा गया है। और देखिए अंदर ये एलईडी काट के इसको जी ये जो इसका ये चौड़ाई है ये 5 सेंटी है, ये 5 सेंटी रखा गया था कि ये एलईडी लगाने में आसानी रहेगा। इस तरह ये इसमें ये दो प्लाई एक ऊपर ये 19 mm का नीचे 5 mm का लगा के तब इसको ये 5 mm का प्लाई काट के तब इसको ये एलईडी लगाया गया है। इस तरह इसको ये अच्छे से इस तरह ये बनाया गया है। और ये नीचे दिख रहा है ये सब वार्डरोब है, इसमें नीचे पूरा ये डोर लगा है। इस तरह इसको डोर को ऐसे जब टच करेंगे तो देखिए खुल जाएगा। इसमें ये पुश मैग्नेट लगा है, इस तरह जब इसको ये दाबेंगे तो बंद हो जाएगा, फिर से जब इसको ऐसे टच करेंगे तो ये खुल जाएगा। ये जो पुश मैग्नेट है इसको कैसे लगाते हैं इसका हम आई बटन में वीडियो दे देंगे, देख सकते हैं। इस तरह ये हर एक पल्ले में पुश बटन लगा है, ऐसे दाबेंगे तो ये खुल जाएगा, फिर से दाबेंगे तो ये बंद हो जाएगा। किसी भी पल्ले में ये देखिए हैंडल नहीं लगा है, छोटा ये हो बड़ा हो देखने में थोड़ा ये अच्छा लगेगा इस तरह। ये जो बड़ा पल्ला है इसमें भी देखिए इस तरह इसको दाबेंगे ये खुल जाएगा। इसमें देखिए दो मैग्नेट लगाए हैं, बड़ा पल्ला है तो इस तरह फिर से इसको दाबेंगे ये देखिए बंद हो जाएगा। इस तरह देखिए एक अच्छा टीवी यूनिट बना है। और इधर ये जो है इधर देखिए एक साइड में वार्डरोब है, ये दो भाग है उधर तीन भाग है। इस तरह इसको भी ये 5 सेंटी ये भी है और 5 सेंटी इसको भी बराबर रखा गया है। और इधर भी ये देखिए एलईडी लगाया गया है काट के। और इधर ये जो दिख रहा है ये वार्डरोब है, इसको भी जब ये ऐसे दाबेंगे तो ये खुल जाएगा। देखिए इसमें ये पाइप लगाया गया है ताकि जो भी कपड़ा होगा इसमें हम ये सीधा टांग सकते हैं, कपड़ा ख़राब नहीं होगा। इसमें बड़ा कपड़ा जो भी होगा इसको हम टांग सकते हैं। और इस तरह ये जो ये ऊपर है इसको भी ऐसे दाबेंगे तो ये खुल जाएगा। इधर देखिए इसको ये दो बॉक्स में बांटा गया है। और ये जो दिख रहा है ये देखिए शीशे की तरह ये चमक रहा है, ये जो ये ओपोक्सी लगाया गया है, इस तरह इस पर ये पानी वगैरह गिरेगा तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, पानी गिरेगा तो इस पर कोई नुकसान नहीं करेगा। इस तरह देखिए ये ओपोक्सी लगाया गया है।
इस तरह से हम एक अच्छा टीवी यूनिट ये बना सकते हैं। और ये जो बीच में दिख रहा है ये टाइल मॉडल का, असल में ये टाइल नहीं है, ये प्लास्टिक का सीटा था, इसको ये चिपकाया जाता है, ये हिटिक से चिपकाए हैं इसको, देखने में टाइल के जैसा है। इसको लगाने से थोड़ा ये पीछे का टीवी यूनिट का लुक थोड़ा बढ़ जाता है, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए इसको ये लगाया गया है। इस तरह देखिए, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह ये जो टीवी यूनिट है, इस तरह हम एक अच्छा टीवी यूनिट ये बना सकते हैं।